अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी जर्नल मैथ एनुअल 2019 पेपर बी क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, उसका बी पार्ट रहता था। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इफ़ द सेंटर इज़ ऑन द लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट से पास हो रही है। तो ये क्वेश्चन मैंने सप्ली 2019 क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट मैंने वहाँ पे डिटेल से सॉल्व कर लिया था। तो ये वीडियो आप वहाँ से देख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कहते हैं ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एक्स प्लस वाई होल स्केयर माइनस जेड स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इन टू द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको कन्वर्ट करना है जी। तो ये क्वेश्चन है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। वी नो डैट एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू रो कॉस फाई। तो जहाँ पर x, y, z है ये इक्वेशन में पुट कर दें इनकी वैल्यू, तो इक्वेशन 1 बिकम्स x में रो साइन फाई कॉस थीटा पुट किया तो ये बन जाएगा ये प्लस y रो साइन फाई साइन थीटा होल का स्केयर माइनस z है तो z है रो कॉस फाई तो ये बन जाएगा रो कॉस फाई होल का स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो जी। अब a प्लस b का स्केयर ओपन कर दें, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 ए बी, ठीक हो गया। जब ए बी हम तो रो और रो रो स्केयर हो जाएगा, साइन फाई और साइन फाई साइन स्केयर फाई हो जाएगा और ये साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाएगा माइनस, हाँ जी, इसका स्केयर ओपन करें रो स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, रो स्केयर साइन स्केयर फाई कॉमन ले लें, ठीक हो गया। यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा यहाँ साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ठीक हो गया, प्लस हाँ जी रो स्केयर साइन स्केयर फाई वैसे लिख दिया, इस टू को अंदर ले गया तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस रो स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस 4। अब ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 हो जाता है तो ये बन जाएगा 1, तो ये बाकी रह जाएगा रो स्केयर साइन स्केयर फाई प्लस रो स्केयर साइन स्केयर फाई साइन 2 थीटा माइनस रो स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में रो स्केयर कॉमन आ रहा है तो आप रो स्केयर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा साइन स्केयर फाई साइन 2 थीटा प्लस हाँ जी साइन स्केयर फाई माइनस कॉस स्केयर फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लें, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला होता है कि कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, तो यह है कॉस स्केयर फाई माइनस साइन स्केयर फाई तो ये बन जाएगा कॉस 2 फाई, ये आप देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा रो स्केयर साइन स्केयर फाई साइंस साइन 2 थीटा, ठीक हो गया, माइनस कॉस 2 फाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, ठीक हो गया। अब इसी को जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कह लें या कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में, इसको अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका रिलेशन हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जेड। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जैसे ही हम पुट करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स है आर कॉस थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा होल का स्केयर माइनस जेड इज इक्वल टू जेड ही है तो जेड की जगह जेड ही आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा ए प्लस बी होल का स्केयर, इसका स्केयर ओपन करें तो यह आ जाएगा ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, तो 2 आर ए बी आ जाएगा माइनस जेड स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा और प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस, हाँ जी, अब यहाँ से आर और आर आर स्केयर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा माइनस जेड स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से आर स्केयर कॉमन ले लें, ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये 1 हो जाएगा और ये साइन 2 थीटा वैसे आ जाएगा तो ये 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस जेड स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में।
क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स, कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स हम कहते हैं एक्स वाई जेड को, एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी स्फेरिकल होते हैं रो थीटा फाई, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। जैसे अभी हमने पिछला हमने वो किया है क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें जो फार्मूले थे ना 6 फार्मूले हमने यूज़ किए हैं, बस आज उन्हीं को प्रूव करना है, यानी कि उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स का और स्फेरिकल रो थीटा फाइव का क्या रिलेशन होता है। जी, कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड को हम कहते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो थीटा फाइव। अब हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक हो गया बच्चों। अब लेट अ पॉइंट पी इन द स्पेस, में एक पॉइंट ले लिया, हैज़ कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, ये एक पॉइंट है जिसके कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स रो थीटा फाई, तरतीब याद रखिएगा रो थीटा फिर फाई आ जाएगा, ठीक हो गया। लेट क्यू बी द प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन द एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन पर जो क्यू है वो पी का प्रोजेक्शन है, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये ठीक है, एक परपेंडिकुलर ये ड्रा करें, तो ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका फाई है, तो ये फाई है, तो ये भी फाई होगा, ठीक हो गया, और ये आपका रो, और ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आ गया वाई, और ये एक्स एक्सिस पर है, तो ये आपका स्मॉल एक्स आ जाएगा, ओ आर आपका एक्स है, और क्यू आर या आर क्यू आपका वाई है, और पी क्यू आपका जेड है, और ओ पी आपकी रो है, हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में कॉस फाई, कॉस फाई आपका क्या आ जाएगा, यानी पी क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी, पी क्यू ओवर ओ पी, ठीक हो गया। अब यहाँ से पी क्यू हमने निकाले ना, ओ पी को इधर ले, ओ पी हमें पता है रो है, तो ये बन जाएगा रो कॉस फाई, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई रो कॉस फाई। अब हम साइन फाई निकालते हैं, तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है ओ क्यू है, और हाइपोटेन्यूस ओ पी है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी ओ पी साइन फाई, तो ओ पी आपका रो है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू रो साइन फाई आ जाएगा। जी, तो यहाँ से ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी साइन फाई, ओ पी आपका रो है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू रो साइन फाई आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ से इन राइट ट्राइंगल ओ क्यू आर में, अब हमने ओ क्यू आर में देखते हैं, ये है ओ क्यू आर, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपकी बेस है ओ आर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ आर डिवाइडेड बाय ओ क्यू, तो ओ आर तो मेरे पास एक्स है, ओ क्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ आर, वो आपका एक्स है, और ओ क्यू मैंने ये निकाल चुका हूँ रो साइन फाई, तो यहाँ पर आ जाएगा रो साइन फाई, ठीक है। मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा क्या होगा, क्यू आर डिवाइडेड बाय ओ क्यू, तो क्यू आर आपका वाई है, ठीक है, और क्यू ओ क्यू जो है वो आपका है रो साइन फाई, ठीक हो गया, ओ क्यू इज इक्वल टू रो साइन फाई, तो ये पुट कर दें, यहाँ से वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रो साइन फाई साइन थीटा। अब आपका जेड है इज इक्वल टू पी क्यू, ये देख लें पी क्यू इज इक्वल टू जेड है, और आर क्यू या क्यू आर इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू रो कॉस फाई आ गया। अब कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म ऑफ कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में लेके आना है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आप क्या करें इनका स्केयर करके ऐड कर दें, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी स्केयर के बाद, राइट साइड राइट में आए, तो ये बन जाएगा रो स्केयर साइन स्केयर फाई कॉस स्केयर थीटा प्लस रो स्केयर साइन स्केयर फाई साइन स्केयर थीटा प्लस रो स्केयर कॉस स्केयर फाई, तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा, मेरे पास ये चीज़ आ गई।
अब यहाँ से आपने रो स्केयर साइंस स्केयर फाई कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा साइंस स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये वन हो जाएगा। तो रो स्केयर साइंस स्केयर फाई प्लस रो स्केयर कॉस स्केयर फाई, रो स्केयर कॉमन ले लें साइंस स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई, ये भी वन होता है। तो यहाँ से आ जाएगा रो स्केयर, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो रो इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करता है कि 2 को डिवाइड करें 1 के ऊपर, यानी 2 को ऊपर रखें 1 के, इसके ऊपर 1 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा वाई ओवर एक्स रो साइन फाइव साइन थीटा डिवाइडेड बाय रो साइन फाइव कॉस थीटा, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से रो कट हो जाएगा, साइन फाइव से साइन फाइव कट हो जाएगा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा आ गया। यहाँ से मैंने थीटा निकाल लिया, टेन को इधर ले गए, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 जेड इज इक्वल टू रो कॉस फाई है, तो यहाँ से कॉस फाई क्या आ जाएगा, रो को नीचे ले जाएं, तो कॉस फाई इज इक्वल टू जेड ओवर रो, ठीक हो गया। तो यहाँ से मुझे फाई चाहिए, कॉस को इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स जेड ओवर रो। तो ये था रिलेशन बिटवीन कार्टीजन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, यानी तीन फार्मूले ये हैं और तीन फार्मूले ये हैं, छः फार्मूले हमने इसको प्रूव करने थे। यही फार्मूले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई पॉइंट आपको समझ ना आए नहीं आया तो आप वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।